Thank you बैक टू माय चैनल बायो स्टडी गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सब अच्छे हैं आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एन के क्वेश्चंस को ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस लास्ट तक आप लोगों को देखना है हर कंसेप्ट को आप लोग क्लियर करके चलिए चैप्टर नंबर इलेवन दैट इज बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस अभी ये चैप्टर हम लोगों ने रिसेंटली कंप्लीट किया था तीन पार्ट्स थे इसके जिसको भी जो पार्ट में कुछ समझ नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना हो सकता है है हर स्टूडेंट का रिप्लाई देने की मैं करती हूं, कुछ भी है, आप तो शेयर तो कर दीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर वन कैन यू लिस्ट रिकोमेंट प्रोटीन विच आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे कौन से दस रिकोमेंट प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है उनका नाम बताना है ठीक है फाइंड आउट वेयर दे आर यूज एज थेराप्यूटिक्स कैसे वो थेराप्यूटिक्स की तरह काम करते हैं ये भी हमें बताना है ठीक है तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और दूसरा हम लोगों को लिखना है कि उनका फंक्शन क्या होता है या फिर वो किस चीज़ को क्योर करने के लिए होता है ठीक है कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए उन प्रोटीन्स का यूज किया जाता है तो दो चीज़ें आप लोगों को लिखनी है राइट तो दस आपको लिख के दिखानी है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ये हैं जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो क्या है वो क्योर है उनके ठीक है कि इस बीमारी को लेके यूज किया गया है अच्छा जिनको नहीं पता रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं उनको मैं बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कैसे बनाए जाते हैं देखो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है दो डिफरेंट सोर्सेज से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है वेक्टर लिया जाता है कंबाइन किया जाता है होस्ट में डालेंगे एक्सप्रेस करेगा तो जो हम लोगों को चाहिए वो प्रोटीन हम लोगों को मिल जाएगा ठीक है ऐसे करके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाए जाते हैं तो इसमें फर्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन आप सब लोगों को पता है कि डायबिटीज मेलिटस को क्योर करने के लिए डायबिटीज को क्योर करने के लिए इसका ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग ह्यूमन इंसुलिन का यूज़ कर राइट तो ह्यूमन इंसुलिन में आप लोग क्या लिखेंगे आप सभी लिखेंगे कि यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलेटस राइट क्लियर हुआ अच्छा दूसरी चीज है इंटरफेर ये क्या होते हैं इंटरफेर आर द प्रोटीन्स और जहां पे भी इंटरफेर वर्ड आता है वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कोई भी वायरल डिजीज के अगेंस्ट में होता है ठीक है तो जहाँ पे भी इंटरफेरोन वर्ड जुड़ गया वहाँ पे कोई भी डिजीज होगी वो बेसिकली वायरस से रिलेटेड होगी ठीक है वायरल डिजीज होगी तो सेकंड है इंटरफेरोन एल्फा यूज किया जाता है फॉर द हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी में यूज किया जाएगा उसके क्योर के लिए राइट अल्फा अल्फा टाइप दूसरा थर्ड नंबर पे है इंटरफेरोन ये यूज किया जाता है हर हाँ, एंड द वायरल एंटराइटिस के लिए ठीक है तो यहाँ पे वायरल वर्ड आया तो इंटरफेरोन्स का यूज होगा राइट फोर्थ नंबर पे है कोग्युलेशन फैक्टर कोग्युलेशन फैक्टर सेवेंथ क्या ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ठीक है फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कोग्युलेशन फैक्टर नाइन्थ कोगुलेशन फैक्टर नाइन्थ किस चीज़ के लिए होता है ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी तो हीमोफीलिया ए के लिए आप लोग क्या लिखेंगे कोगुलेशन फैक्टर क्या होता है सबसे पहले ये जानो जिसको भी नहीं पता जो कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जिस फैक्टर की जरूरत पड़ती है उसको कोगुलेशन फैक्टर बोला जाता है ठीक है यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे है कोगुलेशन फैक्टर सेवेंथ और दूसरा है कोगुलेशन फैक्टर नाइन्थ कोगुलेशन फैक्टर नाइन्थ जो है वो ट्रीट करेगा हीमोफीलिया बी को और जो सेवन टाइप का है वो करेगा क्योर हीमोफीलिया ए टाइप को राइट डी एन एज वन अब सिक्स नंबर पे आता है डी एन एज वन जो कि ट्रीटमेंट देता है सिस्टिक फिब्रोसिस को ठीक है सिस्टिक फिब्रोसिस को क्योर करने के लिए डीएनएज वन का यूज किया जाता है उसके बाद में है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एंटी थ्रोम्बिन थर्ड भी क्या करेगा प्रिवेंशन कराएगा ब्लड क्लोट्स का ठीक है थ्रोम्बिन कोगुलेशन ये सारे क्या हैं ब्लड रिलेटेड वर्ड्स हैं जहां पे भी चाहिए होगा हम लोगों को कि भैया क्लोट्स ना बने ब्लड के अंदर वहां पे दिया जाएगा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड राइट उसके बाद में है इंटरफेरोन बी क्या देगा ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इंटरफेरोन बी रिकोमेंट प्रोटीन का तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी कितनी हेल्पफुल है यहाँ पे दस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यहाँ पे हम लोगों ने बताए हैं इतने बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को बनाया जाता है एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है हॉर्मोन को बनाया जाता है इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंटरफेरोन बी क्या करेगा मल्टीपल स्क्रोसिस को ठीक करेगा उसके बाद में आता है ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हॉर्मोन देखो ह्यूमन रिकॉम्बिन ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट मतलब ह्यूमन ने ये बनाया है रिकॉम्बिनेंट है तो कॉम्बिनेशन से बनाया गया है ठीक है ग्रोथ हॉर्मोन है बेसिकली क्या करेगा इंडिविजुअल की ग्रोथ को प्रमोट करेगा ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो करते हैं, क्या हैं प्लांट्स के अंदर भी यही करते हैं कि जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए काम में आते हैं ठीक है तो यहाँ पे ह्यूमन के केस में क्या होगा इंडिविजुअल की ग्रोथ को प्रमोट करेगा ठीक है लास्ट में आता है टिश्यू प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर ये क्या करता है ये ट्रीट करता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है टिश्यू प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर का ठीक है तो ये दस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स थे आप लोग एक बार लिख के देखें क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट right? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में रटने जैसा कुछ नहीं है अगर आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंटरफेर की जो बेसिक वो है आप एक तरफ में लिख लीजिए ठीक है उसके बाद में जो बाकी के रिकॉमेंट प्रोटीन्स है वो आप लोग एक तरफ में लिख लें और उसके बाद में उनको जो भी ट्रीटमेंट देता है जिस डिजीज को क्योर करने के लिए, लिए लिखा जाता है साइड में आप लोग एक बार वो लिख लें आप लोगों को याद हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है मेक अ चार्ट विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट

राइट right. तो देखो यहाँ पे हम लोगों को बताना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पे वर्ड आया आप लोग लिख देंगे एंजाइम ठीक है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसके बारे में हम लोगों को पूरा बताना है तो देखिए कैसे कट करता है कौन सी साइड पे ये कट लगाएगा तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्टूडेंट एट द सेम साइड देखो अब क्या है फॉरन डीएनए होता है और एक होता है वेक्टर डीएनए दोनों को कट करना होता है हम लोगों को ठीक है आप लोगों को मैंने बताया था वेक्टर एज अ व्हीकल की तरह काम करता है साधन की तरह काम करता है ठीक है जिसके अंदर फॉरन डीएनए बैठ के होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है राइट right? तो दोनों को हम लोगों को कट लगाना होगा ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ से आपने इसको कट लगाया जो आपको इंटरेस्टेड था जितनी आपको इंटरेस्टेड सीक्वेंस है वो आप लोगों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करनी है राइट right? दूसरा आप लोगों ने वैक्टर के अंदर भी कट लगाना है तो ये तो क्लियर हुआ सब लोगों को कि रेस्ट्रिक्शन एनजाइम का यहाँ पे यूज होगा राइट right? देखिए अब दूसरा क्या है यहाँ पे दो जगह से ये कट करता है एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो दूसरा होता है एक्जोन्यूक्लियस जो एक्जोन्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ से कट करेगा ठीक है बाहर की तरफ से कहीं यहाँ से कुछ कट लगा देगा एक्जो मतलब क्या होता है आउटर साइड में ठीक है और जो एंडो है वो मिडल पोर्शन से कट करता है मिडल वाला क्या कहलाएगा मिडल वाला कहलाएगा एंडो और आउटर वाला कहलाएगा एक्जोन्यूक्लियस राइट right. तो ये क्या है ये यहाँ पे कट करता है सीक्वेंस को राइट right. एक्जोन्यूक्लियस वाला बाहर के सीक्वेंसेस को कट कर देगा और एंडो वाला मिडल में से कट लगाएगा राइट right. अब कट करेंगे तो दो टाइप के यहाँ पे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं एक होता है स्टिकी एंड दूसरा होता है ब्लंट एंड तो देखिए यहाँ पे इसने मिडल से कट किया है यहाँ पे ये मिडल से कट हुआ है तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प ली गई है ठीक है अगर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है तो वो क्या करेगा स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करेगा स्टिकी मतलब क्या होता है देखो स्टिकी मतलब कुछ ऐसा होता है कि ऐसा है अब यहाँ पे ये बिल्कुल अलग हो गए हैं ठीक है कट कर दिया तो ये यहाँ पे वापस से ऐसे आके पेस्ट हो जाएंगे तो ये कहलाते हैं स्टिकी एंड्स राइट और ब्लंट एंड्स कैसे होते हैं ब्लंट एंड्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये ऐसा है और ये दोनों आके यहाँ पे ऐसे पेस्ट हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे कोई भी सिक्वेंस है ए टी जी सी ए टी जी सी अब यहाँ पे कट लगा है तो क्या होगा ए टी यहाँ पे भी ए टी और यहाँ पे है जी सी ठीक है ये वाले टाइप के एंड्स को क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ब्लंट एंड्स राइट क्लियर हुआ आप सब लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करा देगा स्टिकी एंड्स को वो कुछ ऐसे दिखेंगे येलो एरो आप लोगों को दिख रहा है उसके बाद में उनको ज्वाइन करने के लिए क्या लेंगे हम किसकी हेल्प लेंगे लाइगेस की हेल्प लेंगे तो लाइगेस की हेल्प से ज्वाइन कर दिया जाएगा और ये आपके पास में तैयार है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर लिया था और यहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए लिया था दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया था वो आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डी तो रिप्रेजेंटेशन आप सब लोगों को समझ में आई आई होप आप सब लोगों का ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम वट यू हैव लर्न कैन यू टेल वेदर एन एनजाइम आर बिगर और डी एन ए इज़ बिगर आपने कहाँ से ये सीखा है कहाँ से आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एनजाइम बड़ा होता है या फिर डी एन ए बड़ा होता है किस बेसिस पे मोलिकुलर साइज के बेसिस पे ठीक है हाउ डिड यू नो कैसे जानते हैं आप लोग तो देखिए जनरल बात करते हैं कि डीएनए और एंजाइम्स। देखिए डीएनए में क्या है डी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स राइट एंजाइम किससे मिलके बनता है प्रोटीन से मिलके बनता है और प्रोटीन में यू ऑल नो कि उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं राइट right? तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं डीएनए के साथ में तो एंजाइम का साइज छोटा होता है ठीक है एंजाइम्स आर स्मॉलर इन साइज ध्यान से आप लोगों को ये लाइन लिखनी है डीएनए कम्प्राइजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भाई डीएनए के अंदर बेसिकली क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए फंक्शनिंग के लिए एक असेंशियल एस्पेक्ट होती है राइट right? जितनी भी लिविंग एंटाइटिटीज हैं और डीएनए किससे मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से जबकि एंजाइम किससे से मिलके बना होता है प्रोटीन से ठीक है तो क्या होगा एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है वो डीएनए से ही होता है ठीक है डीएनए डीएनए है है ये कोई भी DNA का पार्ट अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट और क्लियर करो आप लोग अपना आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन में क्या होता है ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है ठीक है तो प्रोटीन कहां से बना प्रोटीन बना डीएनए से

ट्रांसलेशन में पढ़ा था आप सब लोगों ने ठीक है तो एंजाइम क्या है एंजाइम प्रोटीन है समझ में आया सब लोगों को एंजाइम छोटा सा पार्ट है डीएनए का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल ह्यूमन डीएनए का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा कंसल्ट योर टीचर टीचर से कंसल्ट करें आप लोग ठीक है तो देखिए इसका आंसर होगा 6.023 10 रे टू द पावर 23 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 23 पेयर मतलब 46 हो गए ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स में निकालना है तो 2.77 पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी मोल्स आप लोगों को ये याद रखना है तो लाइन क्या याद रखनी है आप लोगों को यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी दे सकते हैं कि आपको हाफ सेट का निकालना है ठीक है अभी टोटल 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं अगर आप लोगों से हाफ सेट का पूछा जाएगा तो यू विल मल्टीप्लाई बाय द द्री राइट कंफ्यूज नहीं होना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छे से समझना है और उसके बाद में उसको लिखना है, right? की और हैं। समझ में आ गया टू पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन डेज टू दावर ट्वेंटी थ्री मोल्स इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए राइट ऑफ ईच डिप्लॉइड सेल इन ह्यूम सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या है रीड करें आप लोग भी एक बार डू यू कैरियोट्स हैव द एंडो न्यूक्लियस वाई क्या यूकैरियोटिक सेल के पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है अगर होता है तो क्यों ऐसा पूछा गया आप लोगों से ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंड ओ न्यूक्लियस मोलिकुलर सीजर की तरह काम करता है डीएनए की सीक्वेंस को कट करने के लिए यूजफुल होता है ठीक है तो पूछा है यूक्रियोटिक सेल के पास में क्या रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होता है तो आंसर में आएगा नहीं यूकैरियोटिक सेल के पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता क्यों नहीं होता देखो अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक सेल के पास में तो क्या होगा खुद की ही डीएनए की सीक्वेंस को वो कट कर देगा ठीक है खुद के डीएनए की, की सीक्वेंस को वो कट कर देगा दूसरा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन एंजाइम पाया जाता है देखो आप लोगों को जो लाइन लिखनी है वो ये है कि इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन एंजाइम पाया जाता है जिसको मिथाइलेज बोलते हैं जो कि मिथाइलेज क्या करेगा मिथाइल क्या होता है सी ग्रुप होता है ये क्या कर देगा जहां पे एडनिन की सीक्वेंस पे ये जाके मिथाइलेट करेगा ठीक है वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा उसके बाद में वो सीक्वेंस कट नहीं हो सकती समझ में आया एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था ये पार्ट नंबर वन के अंदर की रेस्ट्रिक्शन एंडो का काम तो कट करना होता है तो ये मॉडिफिकेशन का काम कैसे करता है तो देखिए इसके अंदर मिथाइलेज की एक एक्टिविटी पाई जाती है एक मॉडिफिकेशन एंजाइम जिसको मिथाइलेज या फिर मिथाइल ट्रांसफरेज बोला जाता है ठीक है ये क्या करता है मिथाइल ग्रुप को एडनिन और साइटोसिन जो बेस पेयर्स हैं बेस पेयर्स ए टी जी सी जी सी ए टी जी सी ये बेस पेयर्स होते हैं अब मिथाइल ग्रुप क्या करेगा मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा ए और C की साइड पे क्या कर देगा मिथाइल ऐड कर देगा सी एच थ्री सी एच थ्री अब इसको कोई कट नहीं कर सकता कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली प्रोकैरियोट्स के जो स्ट्रेन हैं उनसे निकाले जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होते क्योंकि जो डीएनए है यूकैरियोट्स का वो हाईली मिथाइलेटेड होता है हाईली मिथाइलेटेड होगा तो मतलब वो कट करने की जो टेंडेंसी ten, है उसकी वो नहीं

वॉट अदर एडवांटेजेस डू स्टिल्ड टैंक बायो रिएक्टर हैव ओवर शेक फ्लास्क शेक फ्लास्क क्या होते हैं शेक करते हैं हाई स्पीड में रोटेट करते हैं जबकि स्टिलड टैंक बायो रिएक्टर क्या हैं उसके अंदर एजिटेशन की एक बहुत बेटर पावर पाई जाती है ठीक है जो कि एजिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बेटर टाइम पे मतलब स्मॉल टाइम पे शॉर्ट टाइम पीरियड पे वो अच्छे रिजल्ट्स देता हैं तो ये एडवांटेजेस हम लोगों को बताने कि इसके अंदर क्या क्या होता है तो देखिए बेटर एरेशन तो होता ही होता है मिक्सिंग में प्रॉपर्टीज़ द बायोरिएक्टर्स रिएक्टर्स हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेज हैं वो देखिए फॉर द टेस्टिंग एंड द सैंपलिंग प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी ड्रोन फ्रॉम द रिएक्टर्स भाई बायो रिएक्टर्स जो हैं उनसे आप टेस्ट करने के लिए या कोई भी सैम्पल आप लोगों को लेना है चेक करना है आप स्मॉल क्वान्टिटीज को स्मॉल अमाउंट के कल्चर को आप लोग विदड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो इसमें यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दूसरा क्या है देव दे हैव अस्टम ऑफ स्टेरिलाइजेशन ये वर्ड बहुत नया है जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है वेरी गुड जिनको नहीं पता उनको बता दो कि स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्टामिनेशन को दूर करना माइक्रोब्स जो ज़रूरत के माइक्रोब्स नहीं है जिनको अनवांटेड माइक्रोब्स बोला जाता है उनको किल किया जाता है या तो हीट के थ्रू हीट स्टेरिलाइजेशन उसको बोला जाएगा या फिर केमिकल्स के थ्रू जिसको केमिकल स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है ठीक है तो स्टेरलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ अनवॉन्टेड माइक्रोब्स ठीक है तो बायोरिएक्टर्स के पास में स्टेलाइजेशन का सिस्टम होता है प्रोपरली स्टेरलाइज होते रहते हैं ठीक है प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू रेगुलेट द पी एंड टेम्परेचर और दूसरी अच्छी बात क्या यहाँ पे आई है कि इसके पास में कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि रेगुलेट कराता है कि जितना पीएच रिक्वायर्ड है उतना पीएच दिया जाएगा जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतना टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये सिस्टम भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है राइट शेकिंग फ्लास्क के अंदर इतनी अच्छी तगड़ी नहीं होती हैं ठीक है फैसिलिटीज बायो बायोरिएक्टर्स के अंदर बहुत अच्छा खासा सिस्टम होता है और क्या किया जाएगा रो मटेरियल को माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट्स को डाल दिया जाएगा और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट को ड्रॉ कर लिया जाएगा ये है इसकी एडवांटेजेस थर्ड नंबर पर है टू रेगुलेट द फोम एंड स्ट्रेट टैंक टू हैव द फॉर्म बीकर भाई फोम को रेगुलेट करने के लिए अगर ज़्यादा फॉर्म बन रही है तो उसके लिए एंटी फॉर्म्स भी डाले जाते हैं ये है इसकी कुछ खासियत एडवांटेजेस राइट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है कलेक्ट द फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ पैलेंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस ए डीएनए सीक्वेंस क्या होती है वो सीक्वेंस जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम ही रीड किया जाए जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा नितिन आगे से रीड करेंगे तो भी सेम है पीछे से रीड करेंगे तो भी बिल्कुल सेम ही है ठीक है दूसरा वर्ड है इसका मैडम मैडम में भी सेम यही चीज़ होती है कि आगे से रीड करेंगे तो भी सेम रीड किया जाएगा और बैक साइड से रीड करेंगे तो भी सेम रीड किया जाएगा आर नोन एज ठीक है कंसल्ट करना है आपके टीचर के साथ में बेटर ट्राई टू क्रिएट अ पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस बाई फॉलोइंग बेस पेयर रूल्स देखो बेस पेयर रूल्स लेके आप लोगों को पेलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनानी है अब ये मैंने जनरल एग्जांपल दिया है नितिन और मैडम का देखिए पेलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज इन द डीएनए मॉलिक्यूल आर ग्रुप ऑफ बेसिस दैट फॉर्म्स द सेम सिक्वेंस वेन रीड बै बोथ इन बैकवर्ड और द फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में रीड करेंगे तो सेम सीक्वेंस ही बनेगी ठीक है अब बेस पेयर की हेल्प से आप लोग बनाइए देखिए डबल स्टैंडर्ड है फाइव डैश टू थ्री डैश में क्या है ए सी टी ए जी टी है? अब थ्री डैश टू फाइव डैश में क्या करेंगे ए का किसके साथ पेयरिंग होती है टी के साथ में और जी की किसके साथ में पेयरिंग होती है सी के साथ में ठीक है जी की पेयरिंग होती है सी के साथ में ए की पेयरिंग होती है टी के साथ में तो ऐसे करके आप लोगों लो को पांच सीक्वेंसेस बनानी है ऊपर का लिखा है नीचे की सीक्वेंस आप लोगों को चेक करनी है कि सेम है या नहीं है ठीक है सी का सीक्वेंस बनेगा जी के साथ में टी का बनेगा ए के साथ में ए का बनेगा टी के साथ में जी का बनेगा सी के साथ में और टी का बनेगा ए के साथ में तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करिए और इधर से रीड करिए ठीक है दोनों बिल्कुल सेम है ऐसा ही सेकंड वन है बाकी का आप लोग देखेंगे आप लोग रीड करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे फिर भी कुछ नहीं समझ में आता या कोई मिस्टेक आप लोगों को लगती है आप लोग बताइए ठीक है ए ए जी सी टी टी ठीक है बैक साइड से रीड करें ए ए जी सी टी टी ठीक है तो ये है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस और क्या लिया है बेस सिक्वेंसेज लिए यहाँ पे बेस पेयर से बताया गया है राइट क्वेश्चन नंबर एट्थ की ओर बढ़ते हैं कैन यू रिकॉल द मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज आर रिकोमिनेट डीएनए इज मेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये आप लोग ध्यान से समझें देखिए मियोसिस में क्या होता है अगर मैं जनरल बात करती हूँ मियोसिस की तो मियोसिस के अंदर है इसके अंदर डॉटर सेल्स बनती हैं ठीक है माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिविजन होता है अगर 2n है तो 2n बनेगा 2n से 2n लेकिन इसके अंदर क्या है टू एन है तो इससे एनहेप्लॉइड सेल की जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं ठीक है समझ में आया अब मियोसिस को दो स्टेजेस में डाला गया है मियोसिस म्यूसिसन एंड मियोसिस सेकेंड ठीक है क्लियर हुआ अभी इतना समझ में आया कि भाई मियोसिस को दो स्टेजेस में डाल दिया मियोसिस वन एंड मियोसिस सेकेंड राइट अब मियोसिस वन और जो सेकंड है फर्स्ट और जो सेकंड है इसके अंदर भी चार स्टेजेस आती हैं जिसको आप लोग फेज भी बोलते हैं प्रो मेटा एना टीलो ठीक है मैंने कैसे याद कर रखा है प्रो मेटा एना टीलो अब ये क्या है प्रोफेज मैटाफेज एना फेज टीलो फेज ये हैं ठीक है थीके? ये चार फेज हैं अब वो स्टेज बतानी है जिसके अंदर रिकोमिनेंट डीएनए बनता है क्वेश्चन सबको समझ में आया कि भाई स्टेज बताए वो आप जिसके अंदर रिकोमिनेंट डीएनए बनता है तो देखिए अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज म्यूसिस सबको समझ में आया कि रिडक्शनल डिवीज़न होता है इसके अंदर ठीक है विच अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इट अकर इन टू फेज नेमली क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकेंड राइट इसके बाद में प्रोफेज मेटाफेज एनाफे टीलो फेज, चार हैं आपको फर्स्ट फेज को अभी पकड़ के रखना है इसको अच्छे से समझना है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का यही स्टेज है ठीक है इसके अंदर एक पकाइटिन नाम का इवेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है क्रोमोजोम क्रॉसिंग ओवर अच्छा इलेवेंथ क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उस चीज को प्रोफेज जो स्टेज है उसके अंदर कंडेंसेशन देखने को मिलते कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड्स थे वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम बन गए हैं ठीक है दूसरा इसके अंदर कॉयलिंग भी देखने को मिलती है तीसरा ये प्लेनर के अंदर पूरे ये अच्छे से सेट हो जाते हैं एक प्लेन के अंदर ठीक है ये चीज देखने को मिलती है अच्छा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है याद रखने वाली चीज क्या है क्रोमोजोम क्रॉसिंग ओवर देखने को यहाँ पे मिलती है अगर क्रॉसिंग ओवर है तो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम देखो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है प्रोफेज वन का पकाइटिंग इवेंट ध्यान रखना है ठीक है दूसरा आप लोगों को लिखना है क्रॉसिंग ओवर स्टामा करके लिखना है क्रॉसिंग ओवर अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहां पे एक्सचेंजमेंट होगा किसका जेनेटिक मटेरियल का और जेनेटिक मटेरियल क्या है क्रोमोजोम है क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज देखने को मिलेगा ठीक है और ये क्या करा देगा अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है तो क्या होगा आर डीएनए की फॉर्मेशन होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ठीक है और ये मियोसिस के एक प्रोसेस के अंदर आता है ये एक स्टेज है ठीक है तो प्रोफेज वन के बारे में आप लोगों को बताना है राइट right? कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज नहीं है मियोसिस की जो चार फेजेस हैं उसमें से एक फेज को ध्यान रखना है प्रोफेज वन को और अगर पकाइटिन इवेंट याद नहीं रहता तो ये चीज आप लोग लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से एक्सचेंज हो जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में और यही फॉर्म करता है आर डी एन ए को राइट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर बढ़ते हैं देखिए क्या है आप लोग रीड करें कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ आर रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय द फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू आर सेलेक्टेबल मार्कर क्या लगता है आप लोगों को आंसर करिए आप लोग की रिपोर्टर एंजाइम कैसे यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है इन एडिशन टू सेलेक्टेबल मार्कर तो देखिए रिपोर्टर एंजाइम क्या करता है आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है रिपोर्टिंग करना देखो रिपोर्टर्स क्या करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग में वो क्या बताते हैं कोई भी न्यूज़ बता देंगे कोई भी घटना बता देंगे कि ये घटना हुई है वैसा ही सेम केस यहाँ पे है रिपोर्टर एंजाइम किस लिए यूज किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है तो आप लोगों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं आज एक चीज ट्रांसफॉमेंट्स क्या होते हैं वो सेल होती है जिसके अंदर फॉरन डीएनए आया है एक्सचेंजमेंट हुआ है जेनेटिक मटीरियल का ठीक है और उसकी वजह से उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया देखो कोई भी सेल है उसके अंदर फॉरेन डीएनए डाल दिया अब वो किसी होस्ट में डालेंगे और वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो सेल क्या कहलाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगी फॉरन डीएनए एन की आने की वजह से उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाए वो सेल कहलाती है ट्रांसफॉर्मेंट और अगर नहीं कर पाती अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज या फिर फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं वो कहलाती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स ठीक है तो रिपोर्टर एंजाइम को यूज किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट सेल बाय ट्रैकिंग डाउन द दा एक्टिविटी ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग जीन जो रिसेप्टर जीन्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है और फिर यह बताया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल है या नहीं है ठीक है तो रिपोर्टर एंजाइम क्या करता है ट्रांसफॉर्मेंट सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है जैसे कि एग्जाम्पल है बीटा गलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए क्या करता है ये एक्टिविटी देता है लेक ओपरॉन पढ़ा था आप लोगों ने पीछे भी लेक ओपरॉन में तीन चीजें होती हैं जेड वाई ए ये होता है ट्रांसफेज ये होती है ट्रांसिटाइले ठीक है ट्रांसिटाइलिस परमिज बीटा ये इसके लिए कोड करते हैं राइट right. तो ये बताया गया है इसके अंदर कि बीटा गलेक्टोसाइडेज कैसे ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है राइट एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन ट्रांसफॉर्मेंट सेल सो दैट दे अपीयर व्हाइट इन कलर अगर ट्रांसफॉर्मेंट सेल में एक्टिविटी नहीं होती है तो वो वाइट कलर की होती हैं और दूसरी क्या होती हैं ब्लू कलर की होती हैं ठीक है इंडिकेट दैट सेल्स डू नॉट कैरी फॉरन डीएनए डीएनए को फॉरन डीएनए को कैरी नहीं कर पा रही है वो ये इंडिकेट करता है राइट तो आप लोगों को इसमें क्या लिखना है आप लोगों को लिखना है कि भाई इसके अंदर रिपोर्टर एंजाइम हेल्पफुल होता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल आप लोग लो दे देंगे कि बीटा गलेक्टोसाइडे जो कि लेक्स जेड के लिए कोड करेगा वो आप लोग इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे राइट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर क्या है डिस्क्राइब ब्रीफली फॉलोइंग फर्स्ट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ओ आर आई बोलते हैं ठीक है ओ आर आई साइट सेकेंड है बायो रिएक्टर्स थर्ड है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिस देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन नाम में दिख रहा है रेप्लीकेशन स्टार्ट करने का एक ऑरिजिन होता है ठीक है जिसको ओ आर आई बोला जाता है डेफिनेशन में आप लोग सब लिखेंगे इन अ अ इज स्पेसिफिक सीक्वेंस भाई chromosome के अंदर कोई ऐसी डीएनए की सीक्वेंस होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है रेप्लीकेट करने के लिए रेप्लीकेशन के लिए ठीक है रेप्लीकेशन क्या होता है डीएनए से उसकी खुद की कॉपी बनाना इज नोन एज रेप्लीकेशन तो रेप्लीकेशन को करवाने के लिए रेप्लीकेशन की जिम्मे

देखिए अब दूसरा क्या था अपने पास में सेकंड था बायो रिएक्टर्स फर्मेंटर्स भी बोलते हैं इनको ठीक है बायो क्या है लिविंग रिएक्टर्स क्या है वेजल्स कंटेनर्स बड़े बड़े वेजल कंटेनर जिसके अंदर रो मटेरियल को डाला जाता है और फिर उसके बाद में जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है तो देखिए बायो रिएक्टर्स को कंसिडर किया जाता है एज वेजल्स जिसके अंदर रो मेटीरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट माइक्रोब्स क्या करेंगे उनको रो मटेरियल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करा देंगे बायोलॉजिकली ठीक है प्लांट एनिमल सेल और देर एंजाइम इसके अंदर ये सब भी यूज़ किया जाता है दूसरा क्या है अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है आप लोगों को जैसे कि हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है बायो रिएक्टर्स की हेल्प ली जाती है राइट right? कब तक आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रोड्यूस करते रहेंगे ऐसा है कि एक बार में बहुत सारे लीटर्स का प्रिपेयर कर लिया उसके बाद में उसको अच्छे से फिर स्टोर कर दिया ऐसे किया जाता है लैब्स में दूसरा क्या है इसमें बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन सच एज टेम्परेचर पी एच सबस्ट्रेट वाइटामिन ऑक्सीजन सोल्ट आप सब लोगों को पता है कि माइक्रोब्स को जैसे आप लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ठीक है और अगर आप लोगों को आज के समाज में अच्छे से रहना है अपनी वैल्यू बनानी है तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें ये सारी आपकी कंडीशन हैं ठीक है ऑप्टिमम कंडीशन हैं ऐसे ही माइक्रोब्स की बैक्टीरिया की एंजाइम की कुछ कंडीशन होती हैं हम तभी काम करेंगे जब आप हमें रिक्वायर कंडीशन को प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो इसमें टेम्परेचर एक टेम्परेचर होना चाहिए पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो माइक्रोब्स मर जाएंगे अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक है दूसरा है पीएच पीएच का भी सेम होगा ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी माइक्रोब्स विल किल सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट क्या है अपने खाने की तरह यूज किया जाता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो माइक्रोब्स काम नहीं करेंगे ठीक है वाइटामस देनी पड़ेंगी प्रॉपर ऑक्सीजन की अमाउंट देनी पड़ेगी और सॉल्ट देने पड़ेंगे ये थी ग्रोथ कंडीशंस माइक्रोब रो मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट भी करना है तो सारी कंडीशंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा राइट देखिए ये एक बायो रिएक्टर है आप लोग यहीं पर समझ लें इसके अंदर क्या होता है ये एक वेजल या फिर आप कंटेनर बोल सकते हैं लार्ज वेजल्स ठीक है इसके अंदर क्या है एसिड बेस पीएच कंट्रोल के यहाँ पे ये इनलेट्स लगे होते हैं आउटलेट के लिए ये प्रोडक्ट के आउटलेट के लिए ये लगा होता है ताकि प्रोडक्ट बनने के बाद में ये सेपरेट आउट हो जाए राइट right? अगर फॉर्म ज्यादा बनती है तो उसके लिए एंटीफॉर्म्स का यूज किया जाता है मोटर होती है यहाँ पे ये मोटर अटैच है आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे बायो रिएक्टर के क्वेश्चन में आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है ठीक है यहाँ से स्टीम दी जाती है इस इनलेट से ताकि स्टेलाइजेशन प्रॉपरली हो सके राइट right? उसके बाद में क्या है ये एजुटेशन के लिए होती है इम्पैलर्स बेसिकली एजुटेशन के लिए होती है और एजिटेशन का काम क्या है हाई स्पीड में रोटेट कराना ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो ठीक है ताकि मिक्सिंग अच्छे से प्रॉपरली हो पाए राइट अब ये देखिए इनलेट्स हैं यहाँ पे ये इम्पैलर्स लगे हुए इम्पेलर्स बेसिकली बेस होते हैं ठीक है बेस होते हैं बायो रिएक्टर्स का यहाँ पे ये ऑक्सीजन का दे रखा है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे फिर क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा इसके बाहर में एक जैकेट भी होती है जैकेट किस लिए होती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो ठंडे पानी को वो इनलेट्स के थ्रू भेजा जाता है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहे राइट right? ये था बायो रिएक्टर्स का थर्ड है इसके अंदर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये क्या है प्रोडक्ट बन अब बायो रिएक्टर था पीछे क्या पड़ा कि भाई प्रोडक्ट को वो बना देगा अब ये है अपने पास में प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनने से लेके मार्केट में उतरने तक ठीक है मार्केट में उसको बेचेंगे प्रोडक्ट का क्या है प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में बेचा यही है ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट को बना के रख लिया अब वो बेचना ही नहीं है तो देखिए प्रोडक्ट बनने से लेके और मार्केट में उतरने तक मार्केट रेडी होने तक बीच के जितने भी प्रोसेस हैं उनको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं ठीक है डिफरेंट ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है अच्छा कुछ प्रोडक्ट में पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है कुछ के अंदर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कुछ के अंदर सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर दें और यूजफुल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर लें राइट तो देखिए इसके अंदर क्या है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बनने के बाद में बायो रिएक्टर में प्रोडक्ट बनते हैं सबको पता चल गया इट अंडर गोज थ्रू प्रोसेसेस कुछ प्रोसेस के अंडर गो जाते हैं ये चीज़ें बिफोर आ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी रेडी फॉर मार्केटिंग मार्केटिंग में रेडी होने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक का जो प्रोसेस है उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं क्या है सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन भाई जो आपने प्रोडक्ट निकाला है अगर उसके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो आप सेपरेट आउट करेंगे सेपरेशन फर्स्ट दूसरा है प्योरीफिकेशन उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई भी करना होगा क्योंकि प्योर फॉर्म में चाहिए होगी ना अगर प्योर फॉर्म नहीं होगी प्रोडक्ट की तो कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए हमें प्योर फॉर्म चाहिए सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ये दो स्टेप आप लोगों को लिखने हैं और कलेक्टिवली इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग राइट क्लियर हुआ सबका ये क्वेश्चन नंबर इलेवंथ क्वेश्चन नंबर इलेवंथ देखिए क्या है एक्सप्लेन ब्रीफली पी सी आर पी सी आर मतलब क्या है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ठीक है दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एनजाइम एंड डीएनए तीसरा है काइटिनेस तो देखो पहले बी पढ़ लेते हैं उसके बाद में ए पढ़ लेंगे या अगर किसी को ए ही पढ़ना है तो फिर पहले ए वाला पार्ट पढ़ लेते हैं देखिए क्या है स जो है उसने इन्वेंट किया था 1985 के अंदर पीसीआर नाम की टेक्निक को जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपकी इंटरेस्ट की जीन है उसको उठा के मल्टीपल कॉपीज बना देंगे ठीक है मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन किया जाता है सिंथिसाइज इन विट्रो ये देखो क्या है इन विट्रो मतलब क्या है लैब्स के अंदर ठीक है लैब्स के अंदर इसको सिंथेसाइज किया जाएगा मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी अब इसके अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है फर्स्ट है डी नेचुरेशन दूसरा है एनीलिंग तीसरा है एक्सटेंशन ये तीन ही आप लोगों को लिखना है इसके अलावा आप लोगों को नहीं लिखना पीसीआर के बारे में भी आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोगों को यही चीजें लिखनी है कि कैरे मोलिस ने इसको इन्वेंट किया था बेसिकली इसका काम तो मल्टीपल कॉपीज बनाना होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कि सिंथेसाइज की जाती है इन्विट्रो राइट right? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से आप लोग समझे प्लीज डी नेचुरेशन फर्स्ट है डी नेचुरेशन होता क्या है डी नेचुरेशन जो नेचर था उसको चेंज कर दिया ठीक है इसमें क्या है टारगेट जो डीएनए है अपने पास में उसको हीट किया जाता है टू अ हाई टेम्परेचर क्या होगा इससे जो सेपरेट हो जो बैंड्स हैं जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ठीक है डी से क्या होगा जो यहाँ पे स्ट्रैंड्स से ये डी एस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए राइट right. अब इसको हीट देंगे हम लोग तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे स्ट्रैंड्स टेम्परेचर ध्यान रखना है 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है स्ट्रैंड्स हैं वो डी हो जाए ठीक है रिजल्ट क्या होगा इसका सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रेंड्स जो दो स्ट्रेंड थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे यही था इसका यहाँ पे रिजल्ट अब यहाँ पे पीछे वाले एक स्टेप में हमने देखा था कि ये है अपने पास में डी एस टी एन ए राइट अब इसको आपने दिया कितना टेम्परेचर दिया है 94 टू 296 डिग्री सेल्सियस राइट 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप लोगों ने दिया है देखिए 96 राइट right. अब ये क्या होंगे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे ये दोनों स्टैंड बिल्कुल अलग हो गए हैं अब दूसरा यहाँ पे चलेगा एनिलिंग का स्टेप एनिलिंग का मतलब होता है ज्वाइन करवा देना क्या ज्वाइन करवाना है हम लोगों को यहाँ पे प्राइमर्स ज्वाइन करने का मतलब होता है ज्वाइन करना जोड़ देना दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ जोड़ना है लाके जोड़ना क्या है प्राइमर्स को जोड़ना है और प्राइमर्स को हमेशा कैसे लिखते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स लिखा जाता है ठीक है और यहाँ पे दो प्राइमर्स की जरूरत है तो हम लोगों को लिखना है यहाँ पे कि दो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आके एनील हो जाएंगे जॉइन हो जाएंगे और क्या कर देंगे ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे टेम्पलेट की तरह काम करेगा ये इस डायरेक्शन में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देगा और ये इस डायरेक्शन में और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन हो जाएंगे तो यहां पे भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा और ऊपर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा राइट right, समझ में आया देखो क्या था फर्स्ट स्टेप में तो बिल्कुल अलग कर दिए स्ट्रैंड्स ऐसे स्ट्रैंड्स हो गए अब दूसरा क्या है प्राइमर आके एक एंड पे प्राइमर लग जाएगा एक स्ट्रैंड के दूसरे एंड पे प्राइमर लग जाएगा दूसरे स्ट्रैंड के अब ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर बेसिकली करता क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है राइट न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगी तो आपको पता है कि ऊपर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार हो जाएगा और नीचे भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा तो दूसरे स्टेप में था प्राइमर्स का आके ज्वाइन होना अब तीसरा स्टेप है और इम्पोर्टेंट स्टेप है क्या है एक्सटेंशन का जिसको पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है अब ये जो इससे पहले वाला है उसका टेम्परेचर 42 60 डिग्री सेल्सियस का होता है राइट right? एक्सटेंशन वाला जो स्टेप है उसमें रिक्वायर्ड होता है 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये टेम्परेचर भी आप लोगों को लिखने हैं ठीक है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि वन मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है वो एंजाइम का नाम है टैक डी पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज क्या है थर्मस एक्वेटिकस टी ए क्यू ये है टी स्टैंड फॉर थर्मस ए क्यू स्टैंड फॉर द एक्वेटिकस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया जाता है और ये क्या कराता है इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है सिंथेसाइज कराना डी एन ए को बिटवीन द प्राइमर्स जो यहाँ पे प्राइमर्स थे हमारे पास में उनके बीच में डी एन ए की सिंथेसिस करवाने के लिए डी डी एन ए की सिक्वेंस को यहाँ पे रीजन को सिंथिसाइज कराने के लिए क्या होगा ये आएगा टैक पॉलीमरेज टैक डी एन ए पॉल ये क्या करवा देगा ये सिंथेसाइज करवा देगा डीएनए के सीक्वेंस को ठीक है अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड करवा देगा ये और ये आपके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार है यहां पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार हो गया ठीक है थीके? और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है दूसरी अपने आप, अप, हम लोगों को दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें डी एन टीपी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और तीसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है एम जी टू प्लस तो जो थर्ड वाला स्टेप है उसमें आप लोगों को तीन चीजें इंपॉर्टेंट लिखनी है एनजाइम लिखना है पॉलीमरेज इसका काम लिखना है कि सिंथेसाइज कराता है डीएनए एन ए की सिक्वेंस को बिटवीन द प्राइमर्स वो रीजन जो प्राइमर्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसका सिंथेसिस कराता है डीएनए का ठीक है दूसरी चीज़ इसमें ये लिखनी है कि ये थर्मा सेकैटिक्स के नाम से जाना जाता है तीसरी चीज़ इसमें ये लिखनी है कि यहाँ पे डी और एम प्लस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है और ये तभी क्या करा देगा ये न्यूक्लोटाइड्स को एड करवा देगा ठीक है, Basically, double -stranded DNA बनाना है बनाना दोनों को तो यहाँ पे चार स्टैंड बन के रेडी हो गए ऐसे करके थर्टी साइकिल्स चलती हैं पीसीआर के अंदर तो ये बहुत सारे बैंड बना देगा बहुत सारे स्ट्रेंड्स बना देगा ठीक है ये था पीसीआर का काम अब फर्स्ट तो आपने पास में फर्स्ट था पीसीआर कंप्लीट अच्छे से क्लियर हुआ सबका दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबको पता है कि इसको मोलिकुलर सीजर बोला जाता है ये कट करने के लिए यूज किया जाता है डीएनए की सीक्वेंस को फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट एंडोन्यूक्लियस एक्जोन्यूक्लियस इसके दो टाइप हैं तीसरा टाइप है इसका रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो तीसरा भी आप लोग लिख लें रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये आपको तीसरा लिखना है थर्ड है काइटिन। काइटिनेस का क्या है देखिए ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए जब डीएनए को आइसोलेट किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम लोगों को फॉर्मेशन करना है ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो तो डीएनए को सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेट करना डीएनए को राइट द फंगल सेल इज़ हीटेड जो फंगल सेल होती है उसको हीट किया जाता है काइटिन एंजाइम की हेल्प से काइटिनेस की हेल्प से उसको हीट किया जाएगा और ये काइटिनेस एंजाइम क्या करता है ये डिजोल्व करा देता है काइटिन को ठीक है अब मेम्ब्रेन जो है फंगस की वो ओपन हो जाएगी और क्या करा देगा जो डीएनए है वो बाहर निकल जाएगा देखो ये है फंगस की सेल ठीक है फंगस की सेल है यहाँ पे काइटिनेज डाला यहाँ पे काइटिनेज हम लोगों ने डाला तो क्या हुआ इसकी जो सेल है मेम्ब्रेन है ये ओपन हो जाएगी अब जो डीएनए यहाँ पे है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ठीक है और उसके साथ साथ में क्या निकल जाएगा आर निकल जाएगा प्रोटीन पॉलीसेकेराइड लिपिड्स ये सारे हम लोगों को बाहर मिल जाएंगे मतलब ओपन हो जाएगी तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और हम लोगों को बेसिकली इसके अंदर क्या चाहिए डीएनए चाहिए तो हम लोग आर RNA, एन उसको आर की हेल्प से डाइजेस्ट करा देंगे प्रोटीन है उसको प्रोटीन की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करा देंगे और अल्टीमेटली हम लोगों को फिर लास्ट में डी मिलेगा और यही हम लोगों को चाहिए था ठीक है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इलेवंथ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिए क्या है डिस्कस विद योर टीचर एंड फाउंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे डिस्टिंग्विश करना है प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के बीच में आरएनए और डीएनए या तो आप इसको डी बना लीजिए या फिर सेकंड वाले को डी बना लें तो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है थर्ड है एक्जोन्यूक्लियस एंड द एंडो न्यूक्लियस राइट तो देखिए फर्स्ट है प्लाज्मिड डीएनए प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है सबको पता है प्लाज्मिक डीएनए क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर एक उसका खुद का डीएनए होता है जिसको बैक्टीरियल डीएनए बोला जाता है या फिर बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स बोला जाता है और दूसरा क्या होता है प्लाज्मिक डीएनए ठीक है प्लाज्मिक डीएनए क्या है खुद ही रेप्लीकेट होने वाली बॉडी है ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग बॉडी तो देखिए इसको लिखना क्या है नेक्ट डबल स्ट्रैंडेड आर डीएनए दैट फॉर्म्स आर सर्कल हमेशा आप लोग देखते हैं ना बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ऐसा सा मिलता है सर्कुलर फॉर्म में विद नो फ्री एंड्स इसके पास कोई फ्री एंड्स नहीं होते हैं सर्कल फॉर्म में होता है एसोशिएटेड विद द फ्यू प्रोटीन्स बट कंटेन्स द आर एन ए पॉलिमरेज एनजाइम इसके अंदर होता है आर एन ए पोलिमरेज एनजाइम ठीक है दे आर स्मॉलर देन द होस्ट क्रोमोजोम कैन बी ईजीली सेपरेटेड ये होस्ट के क्रोमोजोम से छोटा साइज होता है इसका तो ये इजिली सेपरेट आउट भी हो जाता है ठीक है और आप लोगों को लिखना है प्लाजमेट के बारे में तो आप लोग लिख सकते हैं कि ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग बॉडी होती है ये सर्कुलर फॉर्म में होती है और इसके अंदर क्या होता है आर एन ए पॉलीमरेज एनजाइम इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना आप लोगों को और साइज इसका छोटा होता है होस्ट के से और इसीलिए ये इजीली सेपरेट आउट हो जाता है right? दूसरा है राइट दूसरा क्रोमोजोमल डीएनए क्या है डबल स्ट्रेंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द लार्ज प्रोटीन्स डीएनए के अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं ठीक है ठीके? जो कि बाइंडिंग में हेल्प कराते हैं डीएनए को डीएनए दिस डीएनएस्ट इन द रिलेक्स एंड सुपर कोल्ड फॉर्म सुपर कोल्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है ठीक है और प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन जो क्रोमोजोमल डीएनए होगा आप सबको पता है डबल स्टैंडर्ड होता है डबल स्टैंडर्ड डी एस डी एन एप्लीकेशन में क्या होगा एक और कॉपी बन जाएगी डीएनए की और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा डीएनए से आर एन ए का बनना तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड करा देगा तो ये था क्रोमोजोमल डीएनए खुद का डीएनए जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका खुद का डीएनए क्या कहलाता है क्रोमोजोमल डीएनए राइट उसके बाद में है एक्सो न्यूक्लियस एंटो न्यूक्लियस अच्छा इससे पहले क्या था एक था आरएनए और डीएनए का डिफरेंस ठीक है तो पहले उसको करते हैं एक बार हम लोग क्लियर सेकंड डिफरेंस क्या था सेकंड डिफरेंस था डीएनए और आरएनए के बीच में सेकंड डिफरेंस हम लोगों को लिखना है डीएनए और आरएनए के बीच में तो आप सब लोगों को पता है ये डिफरेंस मैंने नहीं लिखा है नोट्स के अंदर इसमें सबसे पहला डिफरेंस आएगा कि भाई ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड सबसे पहला डिफरेंस यही होगा कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड आर के ए केस में आप लोग लिखेंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है राइट इसमें लिखेंगे आप सेकेंड इसका डिफरेंस की ये डी शुगर से मिलकर बनता है डी ऑक्सीराइबो

और जी सी ठीक है ए टी और जी सी राइट लेकिन राइबोस के केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि थाइमिन की जगह पे यूरासल होता है तो यहाँ पे आएगा ए यू जी सी ये आप लोगों को ध्यान रखना है तीन डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रख के चलने हैं अच्छा मेजर और इसका एक डिफरेंस है कि जो प्री डोमेंट जेनेटिक मेटीरियल होता है वो डीएनए होता है लेकिन आर एन ए किस तो में है वायरसेस के केस में है तो प्री डोमेंट जेनेटिक मेटीरियल विल बी द आर एन एरएनए नॉट आरएनए डीएनए डीएनए इज द प्री डोमेंट जेनेटिक मेटीरियल और जबकि आर एन ए वायरसेस केस के में जेनेटिक मेटीरियल होता है राइट। right. न्यूक्लियस क्या करेगा रिमूव करा देगा न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड से फाइव डैश थ्री डैश थ्री डैश फाइव डैश अगर टर्मिनल एंड से रिमूव होते हैं तो क्या कहलाएगा एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कहलाएगा ठीक है एक्ट ऑन दिंगल स्टैंड एड डीएनए सिंगल स्टैंड पे ही एक्ट करेगा या तो इस पर एक्ट करेगा या फिर इसी पे एक्ट करेगा दे डो नॉट कट आर एन ए आर एन ए को कट नहीं करते हैं देखो एक्जो न्यूक्लियस है बाहर से कट कर दिया अब ये स्टैंड अलग हो गया राइट right? बाहर से कट किया है आर एन ए पे काम नहीं करते आर एन ए को कट नहीं करते हैं ये एंडो न्यूक्लियस क्या करता है एंडो न्यूक्लियस रिमूव करा देगा न्यूक्लियोटाइट्स को एक स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए मतलब क्या है मिडल में से कट करा देगा ठीक है या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द मिडल राइट दे क्लीव वन स्ट्रैंड और बोथ द स्ट्रैंड स्ट्रैंड या 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 तो एक एक को 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 कट कर देगा दो को या एक साथ में दोनों को कट करने लग जाते हैं ठीक है थीके? और ये आर एन ए को भी कट कर देते हैं आप दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि यहाँ से ये यह इसको बीच में से इसने कट कर दिया और एक है कि बिल्कुल ये सेपरेट आउट हो गए दोनों स्ट्रैंड्स को इसने अलग कर दिया यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड पे इसने कट लगाया है यहाँ पे ये वाला स्टैंड अलग हुआ है ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है और सेकंड वाले केस में दोनों ही स्टैंड अलग हो गए हैं ठीक है तो ये था एंडो न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आया आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है कुछ तो आप लोग रिप्लाई दें आप लोगों के जो भी कंसेप्ट हैं आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें आप लोगों की मैं क्लियर करने की पूरी पूरी ट्राई करूंगी और अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें कल मिलते हैं बाय